फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक दर्पण. फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हम इसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर भी देखते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जिस जहाँ हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ द यूटिलिटी, देन आई विल टेल यू that you should watch the short video on the meaning of utility from the playlist, because from there you can have the mean clear about the meaning of the utility. So let's start today's video. H.H. Gosson, an Australian economist, was the first to formulate this law in economics in 1854. Ab jo Gosson hai, उन्होंने ये 1854 में ये लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन जो क्रेडिट है, मेन क्रेडिट है, वो मार्शल को जाता है, क्योंकि मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने इसको अपने एनालिसिस का, कार्डिनल एनालिसिस का बेस बना के रखा. ओके, कार्डिनल एनालिसिस क्या है कि हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को. That means कि हम 1, 2, 3, 4, 5 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो एक तो ये हो गया कि एक कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर, कार्डिनल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, और दूसरा ये लॉ जो है वो ह्यूमन वॉन्ट्स के ऊपर बेस्ड है. और ह्यूमन वॉन्ट्स का ये क्या अजम्पशन लेके चलता है कि वॉन्ट्स आर सेटिएबल, दैट मीन्स कि वॉन्ट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द मेन अजम्पशन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ law of diminishing marginal utility, ki wants are satiable. Okay, now let's start with the meaning of the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility ka meaning kya hota hai? So Alfred Marshall ne iske liye definition di hai, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. मतलब कि जैसे जैसे जो कोई कंज्यूमर है उसके स्टॉक में जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स देते रहते हैं, वो कंज्यूम करता रहता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो उसकी यूटिलिटी है, जो उसकी सेटिस्फेक्शन होती है, वो इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है. दिस इज द लॉ all about. Okay, तो आगे ये assumptions हम देखते हैं कि इसके लिए उन्होंने क्या क्या assumptions को बेस बनाया. फर्स्ट तो उन्होंने ये रखी कि cardinals number में utility को मेजर कर सकते हैं, like first, second, third, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि इसको हम count कर सकते हैं. Okay, second assumption है the marginal utility of money of the consumer remains constant, कि जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी. ओके, कंज्यूमर जो है वो रैशनल कंज्यूमर है, उसको अपने अच्छे और बुरे का, सही और गलत का पूरा ज्ञान है. फोर्थ अजम्पशन आ जाती है, द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड मस्ट बी रीजनेबल इन साइज, कि उसका जो साइज है ना, जो हम कमोडिटी यूज कर रहे हैं, उसका साइज जो है वो इक्वल रहना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि पहले हमने ज्यादा यूज कर ली, फिर कम यूज की, फिर उसके बाद और कभी ज्यादा यूज कर ली, कभी कम यूज कर ली, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, तो उसका साइज जो है वो रीजनेबल होना चाहिए. फिफ्थ अजम्पशन उन्होंने ली है कि जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए. ये नहीं है कि आपने पहले एक यूनिट एप्पल का ले लिया, फिर उसके बाद मैंगो खा लिया, फिर उसके बाद कुछ और कर लिया, और आप कहते रहो कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी तो कम हुई नहीं. आपको होमोजेनियस कमोडिटी लेनी पड़ेगी, दैट मींस कि अगर आप एप्पल ले रहे हो तो आपको एप्पल ही कंज्यूम करने पड़ेंगे, कोई और आप नहीं ले सकते. सिक्स्थ अजम्पशन है, द कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स
मस्ट टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली. इसमें जो कंजम्पशन का जो टाइम है वो कॉन्टिन्यूड होना चाहिए. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक एप्पल आपने अभी खाया, एक एप्पल 2 घंटे बाद खा लिया, एक एप्पल 3 घंटे बाद खा लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. अगर खाया तो मतलब सेम इंटरवल के अंदर अंदर आपको वो चीज़ कंज्यूम करनी ही पड़ेगी. और देन लास्ट अजम्पशन है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन और इनकम. ये अजम्पशन तो आपको क्लियर ही है कि डिमांड एनालिसिस में ये अजम्पशन तो मेन चलती है कि कंज्यूमर की जो टेस्ट, हैबिट, फैशन और इनकम होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो कॉन्स्टेंट ही रहती है. सो दीज वर द अजम्पशंस अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में करें, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट if a person or consumer continues to consume more and more units of the same commodity, its marginal utility diminishes. That means ki agar koi bhi consumer hai wo kisi bhi commodity ke zyada se zyada ek level se zyada jab consumption karna shuru kar deta hai to uski jo marginal utility hai wo badhne ki bajaye kya ho jati hai, kam honi shuru ho jati hai. आगे नेक्स्ट आपको ये क्लियर हो जाएगा. सो दिस मीन्स दैट द मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस इज द सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दैट वी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ इट. दैट मीन्स कि जैसे जैसे हमारे पास किसी चीज का स्टॉक बढ़ता जाता है तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है या फिर लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो कम होनी शुरू होती है. ओके, सो सी दिस पिक्चर. जब हमने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया किसी कंज्यूमर ने तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करने से. जब उसने दूसरा एप्पल लिया तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो कम हो गया, पहले से उसको कम सेटिस्फेक्शन मिली और फिर मतलब उसकी थोड़ी भूख जो है वो कम हो गई, उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका कम हो गया. दैट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो गई. फिर उसने जब तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई. दैट मीन्स कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है जैसे जैसे हम एप्पल्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं वो डिक्रीज होती जा रही है. आई होप द मीनिंग इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस पिक्चर. नाउ हम इसका टेबल देख लेते हैं. टेबुलर फॉर्म में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को कैसे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. सी फर्स्ट हमने लिए हैं यूनिट्स ऑफ एप्पल, देन वी टेक टोटल यूटिलिटी एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी. जब हमने एक एप्पल कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 20 की. ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 हो गई. जब हमें दो एप्पल मिल गए, हमने दो एप्पल कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई हमारी, 35. ओके, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 35. और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, पहले वो 20 थी और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई अब, 15. कैसे आया ये 35 माइनस 20, जब हमने टोटल यूटिलिटी में से मार्जिनल यूटिलिटी को माइनस कर दिया प्रीवियस को तो हमारे पास कितनी आ गई, 15. ओके, फिर जब हमने तीन यूनिट्स लिए एप्पल के तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 45. और मार्जिनल यूटिलिटी और ज़्यादा कम हो गई, 45 माइनस 35 कितनी हो गई, ये 10. फोर्थ यूनिट लेने पे टोटल यूटिलिटी 50 हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी 5 के बराबर आ गई. लेकिन जब हमने फिफ्थ एप्पल लिया उसका पेट बहुत ज़्यादा भर गया तो फिफ्थ यूनिट पे जाके टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, कॉन्स्टेंट ही रह गई. मतलब वो 50 से ना बढ़ी है ना कम हुई है, वो 50-50 ही रही. ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई फिर, 50 माइनस 50, 0 हो गई. मतलब उसको मार्जिनल यूटिलिटी पहले डिक्रीज हो रही थी, फिर वो कौन से लेवल पे पहुंच गई, 0 लेवल पे पहुंच गई. और 0 लेवल पे कहाँ पहुंची, जब टोटल यूटिलिटी जो थी वो कॉन्स्टेंट हो गई. और सिक्स्थ यूनिट लेने पे हमारी भूख तो खत्म हो गई, हमारी टोटल यूटिलिटी भी कांस्टेंट हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 हो गई. लेकिन अगर हमने फिर भी कंजम्पशन करनी जारी रखी तो क्या हुआ,
टोटल यूटिलिटी भी बढ़ने की बजाय क्या हो गई, कम होनी शुरू हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, ये माइनस फाइव के बराबर आ गई। और फिर हमने सेवन्थ यूनिट लिया तो सेवन्थ यूनिट में और कम हो गई और ये माइनस टेन पे आ गई। सो टेबुलर फॉर्म से हमें क्लैरिटी हो जाती है लॉ के अबाउट। सो नेक्स्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या आ गया, हमने एक्स एक्सिस पे लिए हैं यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, वाई एक्सिस पे हमने ली है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सो रेड कर्व इज, जो रेड कर्व है वो शो कर रही है टोटल यूटिलिटी को और जो ये ग्रीन कर्व है वो शो कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी को। सी जब हमने फर्स्ट यूनिट लिया था, अगर आप पीछे वाली स्लाइड देखो तो जब हमने फर्स्ट यूनिट लिया था तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 20, ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी थी, 20। सेकेंड यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी 35 हो गई थी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 15 हो गई थी, ओके। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम कंज्यूम करते रहे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रही और मार्जिनल यूटिलिटी भी ऐसे ही मूव होती रही। लेकिन जब हम फिफ्थ यूनिट पे पहुंचे तो टोटल यूटिलिटी क्या हुई, बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई थी फिफ्थ यूनिट पे। और जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई थी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, जीरो, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ यूनिट पे आके जीरो हो गई। फ्रेंड्स दिस ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस डायग्राम से कम भी आपको दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जब कांस्टेंट होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होती है, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मूव करती है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाते हैं कि जैसे हमने सिक्स्थ यूनिट लिया तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गई, नेगेटिव में चली गई और सेवन्थ यूनिट में भी ये नेगेटिव में जाने लगी। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीनिंग एंड इट्स डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज क्लियर टू यू। अब हम इसके देखते हैं क्रिटिसिज्म, किसके क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म हो जाता है, सबसे पहले तो ये है कि हम यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते, ये एक सब्जेक्टिव थिंग है। किसी के लिए सेटिस्फेक्शन कुछ और हो सकती है और दूसरे के लिए सेटिस्फेक्शन कुछ और हो सकती है। किसी को कम यूनिट्स में ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है और किसी को ज़्यादा यूनिट्स लेने पे भी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम ही रहेगा। तो ये एक सब्जेक्टिव थिंग है, इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरा है कि इसने बहुत सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशन दी है कि टेस्ट प्रेफरेंस सेम रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ओके। तो ये बहुत सारी अनरियलिस्टिक इन्होंने अजम्पशन ले रखी हैं। और थर्ड इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो इनडिविजिबल कमोडिटी होती हैं जिनको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, उन कमोडिटी के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं करता। सो इनके ये क्रिटिसिज्म थे। अब हम इसकी एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो अगर हम हॉबीज़ की बात करें, मतलब किसी की कोई हॉबी है तो उसका तो कोई लेवल नहीं होएगा ना, वो तो उसने अपने हॉबी के लिए रखी हुई है कोई चीज़, तो उसको जितना मर्जी मिलता रहे वो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होएगा ही नहीं। ड्रंकर्स के ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता, चेन स्मोकर्स के ऊपर, माइजर्स के ऊपर भी नहीं अप्लाई होता कि जो कंजूस है उसको जितना मर्जी मिलता रहे, अगर मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए तो कॉन्स्टेंट होएगी ही नहीं, उसको तो जितनी मर्जी मिलती रहे मनी वो कभी खर्चेगा ही नहीं, खर्च ही नहीं करेगा। और दूसरा फोर्थ आ जाता है हमारा म्यूजिक एंड पोइट्री का, कि कोई भी म्यूजिक है या फिर कोई पोइट्री है जिसको कोई अच्छी लगती है वो हम जितनी बार मर्जी सुनते रहे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा। और रीडिंग के ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सो फ्रेंड्स दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ द इकोनॉमिक्स यू कैन सी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसन्स फर्स्ट लॉ। गॉसन ने दो लॉ दिए थे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड विद इकोनॉमिक दर्पण चैनल।
Do share, like, and subscribe. Thank you. 1, 2, 3.